Hi, I'm Neelam Singh. I'm a naturopath and working since 20 years in Indore. मैंने पिछले अपने वेबिनार में या फर्स्ट वीडियो में आप लोग से डिस्कस किया था कि नेचुरोपैथ क्या होती है और कैसे वर्क करती है. नेचुरोपैथ हमारी फाइव एलिमेंट्स पे बेस्ड रहता है जो कि एयर, वाटर, स्पेस, अर्थ एंड फायर बेस्ड है. हम लोग इसमें अलग अलग पैथीज को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हाइड्रोथेरेपीज है, हॉट कोल्ड बाथ है, स्टीम बाथ है, सॉइल मड बाथ है, या हॉट एंड कोल्ड सॉइल बाथ है. इस तरह से अलग अलग तरीके से हम नेचुरोपैथी में वर्क करते हैं. मैंने फर्स्ट वेबिनार में या फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वात, पित्त और कफ क्या होता है. एक्चुअली दिस इज एन आयुर्वेदिक सॉर्ट ऑफ, बट हम नेचुरोपैथी में भी उसे कवर कर लेते हैं, जिससे कि हमें इजी हो जाता है पेशेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक को समझना और ये उनको कोई डाइट प्लान्स रहे या उन्हें कोई लाइफस्टाइल में चेंज करवाना है तो और इजी वे में हमें हेल्प हो जाती है उनका ट्रीटमेंट करने में. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फोर क्रॉनिक डिजीजेस जो कि वर्ल्ड वाइड हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज एंड एट्रोजेनिक डेथ. मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि सेकेंड वीडियो में मैं कम्प्लीटली उसे डिस्कस करूंगी. एंड डिटॉक्सिफिकेशन हम किस तरह से लेते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. एंड व्हाट इज द सेल बायोलॉजी, व्हाट पीपल से दैट दिस डिजीज इज जेनेटिक, वो जेनेटिक्स क्या होता है, एक्चुअली जेनेटिक्स होता भी है या नहीं होता है डिजीजेस के मामले में, और होता है तो कितनी रेशियो में होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये मेरा जो है सोल एंड बॉडी हीलिंग, इसमें मैं मेडिटेशन, योगा एंड डाइट प्लान्स लेती हूँ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट में भी बताया था कि हमारे जो पैथीज में है वो हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं. ये वात कैरेक्टरिस्टिक के लोगों का डिस्क्रिप्शन मैं फर्स्ट वीडियो में दे चुकी हूँ. ये पित्त कैरेक्टरिस्टिक के लोगों का भी डिस्क्रिप्शन हम फर्स्ट वीडियो में ले चुके हैं, और ये कफ कैरेक्टरिस्टिक का भी हम फर्स्ट उसमें ले चुके हैं. एंड मैंने आपको बताया था कि इसे नोट डाउन कर लेंगे तो हर कोई ये जान सकता है कि उनका खुद का क्या कैरेक्टरिस्टिक है. और ये टॉप फोर जो रीजंस है डेथ के वर्ल्ड वाइड, वो जो फोर्थ वन है एट्रोजेनिक डेथ, उसका हम डिस्कशन इस वक्त करेंगे. एट्रोजेनिक डेथ क्या होता है? एट्रोजेनिक डेथ मींस मेडिकल नेग्लिजेंस, या कह लीजिए कोई डायग्नोज गलत हो जाता है, या प्रिस्क्रिप्शन गलत रहता है, या ओवरडोज ऑफ मेडिसिन है, या सर्जरी गलत हो जाए. दिस इज कॉल्ड एट्रोजेनिक डेथ. And can you assume this is 25% people are dying just because of this? आप मान लीजिए 100 में से 27 लोग just because of this wrong prescription or wrong medicine या wrong diagnosis के कारण मर रहे हैं. ज्यादातर इन जो first three diseases हैं, अगर हम उन्हें देखें तो cancer का जो treatment है, हम ये नहीं कह सकते कि वो treatment जरूरी नहीं है. But all the diseases, whether it's chronic or not chronic, if we change our lifestyle, we can stop those diseases. But आजकल के time पर हमारी problem ये है कि हम बिना देखे, बिना सोचे सब कुछ खा रहे हैं. क्या हम उस word को junk food बोलकर, हमने उसका नाम ही junk food रखा है, but even then we all are having very frequently. We are having fast food because our lifestyle has gone so fast. और उसका नाम भी हमने fast food रखा कि हम जल्दी जल्दी खाकर चले जाएं, but उसका side effects क्या हो रहा है? Nobody is just thinking for that. हम ऐसी ऐसी बीमारियां लेके आ चुके हैं जिसे हमारे पास उनका इलाज ही नहीं हो पा रहा है. कैंसर भी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज तक होता है, थर्ड स्टेज तक आते आते पेशेंट इतना पेन में रहता है कि ट्रीटमेंट देना ही बहुत मुश्किल होता है. उसकी इम्यूनिटी इतनी फॉल हो चुकी होती है कि आगे का ट्रीटमेंट, और वो खुद भी इतने पैनिक और डिप्रेशन स्टेज में जा चुका होता है. आधे लोग हार चुके होते हैं, आधे क्या, आप कह लीजिए 70-80% तो हार चुके होते हैं. हार्ट अटैक कह लीजिए या हाइपरटेंशन कह लीजिए, हम उसकी जो मेडिसिन खाते हैं, कोई आजकल तो
यंगस्टर ही कोई 20-25 साल से खा रहा है, जो कोई 30 साल से खा रहा है, लगातार उस मेडिसिन के खाने से जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और जो लॉन्ग टर्म में उनकी प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज कॉल्ड एट्रोजेनिक डेथ. हम जो बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं वो स्टार्ट हाफ टैबलेट से होते होते 1 और फिर 1.5 और फिर 2 सुबह शाम, इस तरह से बढ़ती रहती है. वो हमें कोई फायदा नहीं दे रही है, बल्कि लॉन्ग टर्म में हमारे किडनी और लीवर को अफेक्ट कर रही है. मैंने आपको शायद फर्स्ट यूट्यूब में भी बताया था, फर्स्ट वीडियो में, कि किस तरह से लीवर हमारा वर्क करता है, किस तरह से वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारे प्रोटेक्शन करता है कि नाउ नो दिस इज नॉट माय फूड, आई डोंट वांट दिस फूड, या कोई मेडिसिन हम डाल रहे हैं तो लीवर रिजेक्ट दैट मेडिसिन की दिस इज नॉट फॉर मी, आई डोंट नो which food is this. But हमें treatment में जब हम उसे डालते हैं and if the liver is having capacity to just flush out 100 mg and doctors know this and they give 250 mg because they know कि 100 mg liver dispose of कर देगा, तो doctors हमें 250 mg देते हैं, जिससे कि 150 हमारे blood में जाए और वो हमारे blood में जाकर हमें recover करे. बट वो रिकवरी जो है वो टेम्परेरी रिकवरी होती है. नो डाउट हमें फीवर है, हमें क्रोसिन खानी है या पैरासिटामोल खाना है, हमें हार्ट अटैक हो गया है तो हमें ट्रीटमेंट लेना जब भी जरूरी है, हमें कैंसर हो गया है तो हमारे लिए कीमो लेना भी जरूरी है, हमें डायबिटीज हो गई है तो है डायबिटीज इट्स अ कम्प्लीटली लाइफ स्टाइल डिजीज, इसका रिवर्स होना कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि 100% क्योर कर सकते हैं, बिकॉज डिपेंड्स अपॉन इट्स वेदर इट्स टाइप 1 और टाइप 2, बट ये ज्यादातर बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, हमारे डाइट पे डिपेंड करती है, हमारे डेली रूटीन्स पे डिपेंड करती है, हाउ मच टाइम वी आर गिविंग टू आवर सेल्फ, बिकॉज इफ वी आर नॉट लविंग आवर सेल्फ, वी आर नॉट गिविंग टाइम टू आवर सेल्फ, वी कांट स्टॉप ऑल दीज प्रॉब्लम्स. एंड the main thing is that around 10 में से एक व्यक्ति को एक कैंसर जैसी बीमारियां है या हार्ट प्रॉब्लम्स 8 में से एक को है. ये रेशियो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. एट्रोजेनिक डेथ में जो मेन चीज है वो ये है कि हम जितना अपने फूड पर ध्यान देंगे या जितना हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देंगे, उतना ही हमें इन बीमारियों से दूर रहने का सहारा मिलेगा कि हम इन बीमारियों से दूर हैं. जितना हम इन बीमारियों से दूर रहने वाले हैं उतना ही हमें फायदा होने वाला है, बिकॉज कुछ चीजें हमें जेनेटिक्स से मिल जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं सप्रेस्ड फॉर्म में है हमारे सेल्स में. अगर हम उसे गलत फूड हैबिट्स या गलत लाइफस्टाइल से हम उसे कितना बढ़ा रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. ये एक पार्ट में मैं आपको डिटॉक्सिफिकेशन समझाऊं, तो हम लोग नेचुरोपैथी में या आयुर्वेदिक में जो डिटॉक्सिफिकेशन लेते हैं वो होता है लीवर या गट का क्लीनिंग. जो अंदर के प्रॉब्लम्स हैं आपकी गट्स में, जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठा है उसको निकालने को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं. डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स क्लीनिंग लिटिल बिट योर प्योरीफाइंग योर ब्लड एंड गट्स और सबको फ्लश आउट करना, इट्स लाइक दैट. और वो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता है. जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था वात कैरेक्टरिस्टिक के लोगों के लिए अलग है, पित्त कैरेक्टरिस्टिक के व्यक्तियों के लिए अलग है और कफ कैरेक्टरिस्टिक व्यक्तियों के लिए अलग है. वात वाले उसे वीक में एक बार या पित्त वाले वीक में 2 बार और कफ वाले वीक में 3 बार कर सकते हैं. इट कैन बी फॉर 3 डेज डिटॉक्सिफिकेशन, इट कैन बी 10 डेज डिटॉक्सिफिकेशन. हम जितना रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं उतना ही हमारी बॉडी हेल्दी होती जाती है. मीन्स लाइक टेकिंग अ हाइजीन सॉर्ट ऑफ, अंदर से अपने बॉडी को पूरा फ्लश आउट करना एक एंड क्लीन करना, जिस तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं उसी तरह अगर हम अपने बॉडी की अंदर से सफाई करते जाएं तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हमारे जेनेटिकली होने के बाद भी हमें नहीं आएंगी. एंड वो अगर हम एक से दूसरे जेनेटिक्स तक नहीं देते हैं तो एक टाइम के बाद वो जेनेटिक खत्म ही हो जाएगा.
अगर कहें तो कैंसर सेल सभी में है, बट डिपेंड कि आप उस एबनॉर्मल सेल्स को किस तरह से, उस नॉर्मल सेल को या एबनॉर्मल सेल को आप किस तरह से बढ़ाते हैं। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे तो आपके नॉर्मल सेल्स बढ़ेंगे, अगर आप लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे या प्रोसेस फूड खाएंगे या वेगन डाइट्स कम लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स जिसे कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स कम लेंगे, या आप जंक फूड ज्यादा खाएंगे, तो आपके बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स बढ़ने के लिए या डीएनए में ब्रेक होने के लिए, जब डीएनए हमारा ब्रेक होता है तभी हमारे एबनॉर्मल सेल्स बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, एंड देन ओनली कैंसर कम्स इन अ बॉडी। तो हमारी डाइट में है, और ये स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब है इसमें 3 पार्ट्स बने हुए हैं, और उस 3 पार्ट्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक हमारा रेड ब्लड सेल्स है, एक हमारा सेपरेशन जेल है, और एक प्लाज्मा है। आप ये 3 लेयर को क्लियरली देख सकते हैं कि प्लाज्मा किस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक सिल्वर गोल्डनिश टाइप का, बीच में जो जेल है सेपरेशन जेल है जो रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के बीच में है। बट हम जो खाना खा रहे हैं उस पे आप देखेंगे कि उसका कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे इस ब्लड में। ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह 2 लोगों ने प्लांट बेस्ड डाइट ली है, और आप उस क्लियरली उनके ब्लड का जब सैंपल लिया गया तो आप उस तीनों चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको शो किया था कि प्लाज्मा अलग दिख रहा है, बीच में जेल अलग दिख रहा है सेपरेशन जेल, एंड देन दैट इज ब्लड। बट जो नेक्स्ट स्लाइड है आप उसमें देखेंगे कि उन्हीं 2 लोगों को, एक को नॉन वेज डाइट दिया गया, मीट दिया गया, और दूसरे को प्लांट बेस्ड फूड दिया गया, आप उनके दोनों के ब्लड सैंपल्स का टेस्ट ट्यूब जो देख सकते हैं क्लियरली, जो प्लांट बेस्ड डाइट जिसको दी गई उसका टेस्ट ट्यूब में सेम क्लियरली 3 लेयर्स दिख रही हैं, बट जो जिसे मीट दिया गया था उसका जो ऊपर और जेल उसमें है एक ब्लर विजन है, मीन्स समथिंग वो तीनों लेयर्स में कहीं ना कहीं हेवीनेस आती है या ब्लर विजन आ जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस कि अगर हम वेगन की तरफ ज्यादा जाते हैं, देन आर लाइफस्टाइल अगर हम वेगन की तरफ लेकर जाते हैं तो हमारा ब्लड काफी हद तक प्योर रहेगा। ये एक मिथ है कि जब हम नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज जो है वो प्रोटीन डाइट बहुत अच्छा है, नो डाउट प्रोटीन डाइट है, बट इट गिव्स अ इंस्टेंट एनर्जी। आप जितनी जल्दी खाते हैं वो प्रोटीन आपको इंस्टेंटली एनर्जी देगा और उसके बाद वो खत्म भी कर देगा। बट वेगन्स जो हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, वो जो प्रोटीन डाइट खाते हैं वो आपको काफी लंबे टाइम तक उस प्रोटीन डाइट को बॉडी में रखता है, एंड दिस इज प्रूव्ड। ये बहुत सारे स्पोर्ट्स वालों ने इसे अपने उसमें प्रूव किया है, और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जिन्होंने सेल बायोलॉजी को हमारे सामने रखा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, उनका जो बुक है वो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सेल बायोलॉजी को समझाया है वो बेस्ट तरीका है, एंड दैट बुक इज टू गुड। उन्होंने हमें यही बताया उसमें कि किस तरह से प्रोटीन जो है हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को पे डिपेंड करता है, प्रोटीन किस तरह से आगे हमारे परसेप्शंस पे या बिहेवियर पे इफेक्ट करता है, जो कि हम मानते हैं कि नहीं यार डाइट हमने ले ली तो क्या फर्क पड़ता है, हम टेंशन में भी खाना खा रहे हैं या हम टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं या हम सोशल मीडिया पे वर्क करते हुए खाना खा रहे हैं, तो वो किस तरह से हमें हार्म पहुंचा रहा है वो आप उनकी बुक अगर देखते हैं तो बिल्कुल क्लियरली वो समझाया गया है कि किस तरह से प्रोटीन वर्क्स। और बहुत ही इजी है, अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें ये बताया है कि जेनेटिक्स जो कहा जाता है कि जेनेटिक्स बीमारियां हमें आ गई हैं मेरे हेरिडिटी में, तो
कैंसर था या मेरे हेरिडिटी में डायबिटीज था और इसलिए मुझे डायबिटीज हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हेरिडिटी डजंट वर्क. मैं 100% नहीं बोलूंगी, बट यस, अगर एक व्यक्ति को आपके दादा परदादा किसी को कैंसर था तो आपके उसमें वो सेल है. बट वही मैंने आपको कहा कि इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपका रूटीन अच्छा है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, यू आर नॉट टेकिंग लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड, तो वो आप सेल को सप्रेस्ड कर सकते हैं. और उनके बुक में यही बताया गया है कि जेनेटिक्स डज नॉट वर्क. आप मान लीजिए कि कैंसर में भी 5% इज जेनेटिक केसेस. 5% को अगर चार हिस्सों में बांट दिया जाए, चार बच्चे हैं या चार फैमिली मेंबर्स हैं जिसमें वो हेरिडिटी गई है, तो वो 25% रह गया. मीन्स 5% का 25% रह जाता है. और वो 25% जो है वो 5% का 25% मैं आपको बोल रही हूँ, 25% नहीं बोल रही हूँ, 5% का 25%. तो आप मान लीजिए कितनी स्मॉल रेशियो है जो हमारे बॉडी में वो रह जाती है. और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग से हम उस सेल को खत्म कर सकते हैं. हमारे बॉडी में 70,000 to 90,000 trillion प्रोटीन पार्ट्स रहते हैं that forms a cell, एक सेल को बनाते हैं. एंड 50 to 75 trillion सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. और उस हर एक सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस होता है. एंड दैट बुक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हैज क्लियरली डिस्क्राइब कि जो ये मानते हैं कि जेनेटिक्स कैरी करता है बीमारियों को या क्रॉनिक डिजीजेस को, तो वो मिथ है. उनकी बुक में साफ विद ऑल द रिसर्चेस शोन दैट इफ न्यूक्लियस इज डेड इवन देन सेल इज अलाइव फॉर 2 days. तो ब्रेन अगर डेड होने के बाद भी वो सेल अगर अलाइव है तो वो कैसे वो जेनेटिक्स वर्क कर रही है. तो वो पूरा जो प्रोसेस है, मींस इतने ट्रिलियन सेल्स हैं और किस तरह से मींस अमीनो एसिड्स पे फर्क पड़ता है, डीएनए कैसे अमीनो एसिड्स फॉर्म करता है. डीएनए क्या है? डीएनए इज स्मॉल बीडेड फॉर्म ऑफ चेन. जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि डीएनए सिंपल, आप मान लीजिए कि 2-3 मालाओं को मिला लीजिए एंड फॉर्म एस शेप, तो इट्स अ डीएनए. बट डीएनए जब कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, वो कैसे डीएनए आगे फॉर्म कर रहा है, किस तरह से हमारे अमीनो एसिड्स बना रहा है, किस तरह से वो अमीनो एसिड्स आगे चेन बनाते हैं, और वहां पे जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं, मीन्स अगर आप जब स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो कैसे हमारा बिहेवियर बनाते हैं. हाउ दैट प्रोटीन, प्रोटीन मीन्स आप जो खाना खा रहे हैं वो कैसे हमारे एनर्जी को फॉर्म करते हैं. बिकॉज इफ यू आर टेकिंग अ फूड इन अ स्ट्रेस, इफ यू आर टेकिंग अ फूड इन अ बैड मूड, दैट प्रोटीन डजंट गो एज अ एनर्जी. वो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा कर रहा है. वो उस खाने को बनाने की बजाय वो उस खाने को एसिडिक बना रहा है. इट्स ऑलवेज सेड कि हमें हमारे बॉडी को जितना हो सके उतना एल्कलाइन रखना है. आप उस टाइम पे अगर एल्कलाइन फूड भी खाते हैं तो भी आपकी बॉडी उसे एसिडिक कर देगी इफ यू आर हैविंग दैट फूड इन अ स्ट्रेस. उसमें क्लियरली बताया है डॉक्टर ब्रूस ने कि जो भी परसेप्शन है दैट कंट्रोल्स आवर जीन्स. वी आर नॉट कैरिंग कैंसर सेल्स, वी आर नॉट कैरिंग द डायबिटीज सेल्स, आवर परसेप्शंस आर कैरिंग द सेल्स. जो हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव थिंकिंग देन यू कैन चेंज योर हेरिडिटी. बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है एंड इफ वी आर मेकिंग अ टेस्ट ट्यूब बेबी, अगर किसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी रखते हैं और इफ यू आर टेकिंग दैट सेल्स स्पर्म्स लेते हैं और वो एक हेल्थी एनवायरमेंट में रखते हैं, या टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं भी कर लीजिए, अगर आप एक मदर है, इफ शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज लिविंग इन अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी एनवायरमेंट, तो जो बेबी होगा उनका वो कितना
कितना पॉजिटिव रहेगा और कैसा रहेगा, वी ऑल नो दैट. And if a mother is not happy, she is in a very bad environment, living in a lot of pain, and the environment is not good, the family members are not helpful, तो आप खुद सोच लीजिए जो बेबी होगा वो किस तरह से, उसका नेचर कैसा होगा. तो इट्स नॉट लाइक कि हम सेल्स ले रहे हैं या हम स्पर्म्स ले रहे हैं और टेस्ट ट्यूब अच्छे हेल्दी मदर में डालते हैं. इट्स डिपेंड ऑन एवरीथिंग. It depends completely on our perception. It depends completely on our stress level, what we are taking. Because nature jo hai, it's all about balance. Our body works best in an alkaline environment. Hum, wo environment kya hai? Alkaline environment is depend upon our diet. It depends upon what we are having. Obviously, vegan डाइट जो है वो काफी हद तक एल्कलाइन होती है, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली. बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत गर्म तासीर की होती हैं या जो कि एसिडिक भी होती हैं उसमें भी. बट एसिडिक वेगन डाइट्स में एसिडिक फॉर्मेशन जो है, जैसे नींबू है, दैट इज एसिडिक ऑब्वियसली, बट दैट हेल्प्स इन लॉट ऑफ थिंग्स. दैट ब्रिंग्स इम्यूनिटी, दैट इज हैविंग विटामिन सी, दैट इज गिविंग अस विटामिन सी. तो बहुत क्लियरली है कि परसेप्शन कंट्रोल्स आवर जीन्स एंड परसेप्शन कंट्रोल्स आवर बिहेवियर. एंड द सेम इज दैट परसेप्शन रीराइट्स आवर जीन्स. हम अपने ही परसेप्शन से अपनी जीन्स को बना सकते हैं. बहुत सिंपल है, हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो आगे आने वाली जनरेशन को हम एक पॉजिटिव जीन्स दे सकते हैं, एक हेल्दी जीन्स दे सकते हैं. And this, what healthy environment genes is always healthy, and it brings a good body. That's what it's written and told in that book. And जितना भी लोगों को हो सके, जो भी उस बुक को पढ़ सके, उन्हें जो ये मानते हैं कि मुझे ये बीमारी तो हेरिडिटी आई है, मेरी फैमिली ने दी है मुझे, और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे उसमें तो जीन्स है, मेरे को होना ही है. आपने देखा होगा कुछ बच्चों को 5 साल से भी डायबिटीज है, 5 साल के हैं और डायबिटीज है. ऑब्वियसली वो हेरिडिटी में लेके आए हैं, बट उनके मदर ने उस कंसीव पीरियड में या प्रेगनेंसी में क्या खाया. मदर को हो सकता है डायबिटीज ना हो, फादर को हो या दादी को हो, बट उनकी मदर ने उस 9 महीने में क्या खाया, या बच्चा जब पैदा हुआ उसने उसको फर्स्ट फीड करवाया या नहीं, या उसको कितना प्रोसेस फूड दिया, उसे कितना डब्बे का दूध दिया, या कितना उसे बाहर की चीजें खिलाई उस 5 साल तक, वो भी डिपेंड करता है. अगर उन्हें पता था या उन्हें कहीं भी हिंट था कि इस तरह की प्रॉब्लम है, या मेरे हस्बैंड को बहुत हाई डायबिटीज है, या मुझे हाई डायबिटीज है, किसी को भी मदर को, तो वो उसे कंट्रोल कर सकते थे उस प्रेगनेंसी टाइम पर ही. या जिनको बेबीज नहीं हो रहे हैं, दे आर टेकिंग अ ट्रीटमेंट विद देयर हेल्दी डाइट्स, दे कैन कंसीव. बहुत सारी चीजें हैं, मींस बहुत सारी बीमारियां हैं, PCOS, PCOD फीमेल्स में, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, कोलोन कैंसर है जो कि आजकल बहुत ज्यादा है, और उसका मेन रीजन आजकल का फूड ही है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फूड. एंड इन नेचुरोपैथी वी हेल्प विद द स्ट्रेस मैनेजमेंट, विद द मेडिटेशन, एंड विद योगा, विद एक्सरसाइजेस, एंड हेल्प इन दैट 5 एलिमेंट्स के थ्रू जो आपका ट्रीटमेंट होता है. विदाउट मेडिसिन वी हेल्प ऑल everyone to treat. But yes, after having cancer, obviously we have to go to allopathy, because chemo is not under naturopathy, it's not under homeopathy, or it's not under ayurvedic. But naturopathy helps to cure the root cause of any diseases. Naturopathy helps ki hame aage jo disease hamare so called heredity mein hai, jo cells hai, ya जो इन्वायरमेंट में जो है कि हाँ भाई ये खाना है और हमें इंटरेस्ट है वो खाने में. आई एम नॉट टेलिंग टू स्टॉप ऑल द फूड, आई एम टेलिंग टू ग्रेजुअली चेंज योर हैबिट्स, टू ग्रेजुअली चेंज योर लाइफस्टाइल, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड
ऑब्वियसली इस एनवायरनमेंट में, अभी तो कोरोना है बट इस एनवायरनमेंट में जो है वो स्ट्रेस लेवल सभी का बहुत हाई है। किसी ने नौकरी छोड़ दी है, कोई घर में रहकर फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी की वाइफ की जॉब नहीं है, कहीं बच्चे घर में हैं तो प्रॉब्लम्स हैं, एंड एवरीवन आर बिजी इन देयर ओन फोन्स इन देयर ओन लाइफस्टाइल एंड दे आर नॉट एट ऑल हेल्पिंग ईच अदर इन फैमिली, और टेंशन इतनी है। तो सबसे पहले वी वर्क ऑन दैट टेंशन एंड स्ट्रेस, वी वर्क ऑन दैट मेडिटेशन पार्ट, देन वी कैन वी वर्क ऑन दैट डाइट व्हाट दे आर टेकिंग। हम पूरा प्रोसेस पूछते हैं उनसे कि आप क्या खाते हो, आपका डेली रूटीन क्या है, आपका कैसे हमें वर्क करना है, उसे पूरा डिटेल में जानते हैं, एंड देन वी गो ऑन अ ट्रीटमेंट विद दैट फाइव एलिमेंट्स। और उसी में है हम लोग उसे सॉइल यूज करते हैं, दैट इज मेड ऑलमोस्ट टेक वन मंथ टू प्रिपेयर दैट सॉइल। We give with water treatment, we give that sun bath and sunlight treatments, different types of light treatments are given in naturopathy, and steam bath is there, massage therapy is there, and with all these things we treat in naturopathy. Aaj ye video is almost done, and hum fir next video mein कुछ और प्रॉब्लम्स या कुछ और प्रॉब्लम्स के डिटेल्स के साथ आएंगे। कोई भी किसी को भी डिटॉक्सिफिकेशन रिलेटेड चीजें जाननी है या दे वांट टू हैव डिटॉक्सिफिकेशन, दे वांट टू हैव एनी डाइट प्लान्स, मेरे नीचे बायो में आई हैव गिवन माय नंबर, माय बिजनेस नंबर, व्हाट्सएप नंबर इज देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट दैट, लिंक इज ऑल्सो देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट देयर, एंड counseling is totally free. So thank you, and we meet in next video with different types of diseases and how naturopathy works on that disease. And my mission is towards cancer and chronic diseases, so please help and subscribe my channel so that I can be more motivated and give all of you the best knowledge I just collected from many friends and colleagues and doctors, so that I can give all of you the best of. हमारे इसी lifestyle से या जो भी हम lifestyle जी रहे हैं या junk food खा रहे हैं, processed food खा रहे हैं, हमें यही decide करना है that we want to live a long and happy life or we want to die in a very long process. हम सभी एक पेन में, दर्द में, फिजिकल पेन और मेंटल पेन में एक बहुत ही लंबी डेथ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। हर कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई दवाई खा रहा है, किसी को सीवियर बैकएक है, किसी को सीवियर चेस्ट पेन रहता है, किसी को हमेशा एसिडिक बॉडी है, हमेशा पेंटासिड पे है, कोई हर कोई कोई ना कोई बीमारी पर आज टिका, दवाइयों पे आज टिका हुआ है। एंड वी हैव टू थिंक, वी हैव टू चेंज आवर परसेप्शन कि हमें क्या चुनना है, हमें किस तरह की लाइफ चुननी है, हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है कि वही रूटीन रखना है कि यार ठीक है चलता है, वो चलता है रूटीन रखना है, या फिर हमें अपने में ड्रास्टिक चेंजेस लाके हमें एक लॉन्ग लाइफ जीनी है। वी ऑल हैव टू डिसाइड दैट अ लॉन्ग लाइफ और अ लॉन्ग डेथ। आप प्लीज़ सोचिए कि आप लोग को क्या करना है, किस तरह से वर्क करना है, और पूरा डिटेल्स मैं अपने दे चुकी हूँ। यू ऑल कैन काउंसिल एनी टाइम, इट्स फ्री, नो कंसल्टेशन फीस इज़ देयर। सो हम थर्ड वीडियो में फिर से एक नई डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू सो मच, एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।